आप सब आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ आपको मेरी तबीयत का दिख ही रहा होगा की क्या हाल है मेरा तो 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 यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ तबीयत मेरी सही नहीं है एक पैरासीटामॉल खाया है और बाहर सब कुछ खाना वाना बनाया तस्वीं है सब लोग खाने के लिए भी आए हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या बना है और क्या क्या, -क्या लोग आए हैं कौन लोग आए हैं यहाँ पे दीदी रिकॉर्डिंग कर रही थी और कुछ बोल रही थी तब तक मुझे हंसी आने लगी और मेरी तबीयत तो सही नहीं है हँसी आ रही थी मम्मी को भी खांसी आ रही थी मम्मी को हमको ना सेम प्रॉब्लम है बुखार खांसी सर्दी जुकाम लग गया है और छोड़ ही नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है और इतना भाप लेना सब कुछ दवाई विक्स ये वो खांसी वासी का सिरप लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ ही नहीं रहा है और यहाँ पे देखिए बाहर सारे आइटम बन के तैयार हो गए थे शाम का टाइम है ये तो यहाँ पे मूछी रखी हुई थी तो मूछी वही देख रहे थे हम लोग और ये मूछी है सब लोग पूछ रहे थे कौन क्या होता है मूछी मूछी तो यही मूछी है और यहाँ पे चावल है इसको मतलब आ, सब लोग फैलाने वाले थे सॉरी वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा ना खांसी वाली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सब लोग आना स्टार्ट कर दिए थे और यहाँ पे खाना बटेगा भी तो इसलिए सब लोग औरतें भी आ रही थी और चावल वहाँ पे बन रहा था लास्ट में चावल बनता है ताकि गरम गरम चावल सब लोग खा सके और यहाँ पे देखे कुछ चावल यहाँ थे और दाल ढक के रखे हुए थे और मूछी के तो इतने दीवाने हैं ना इतने दीवाने हैं कि क्या बताऊँ मैं और मैं वाइस ओवर अभी कर रही हूँ तो दिन में तो रात में तो मूछी ले ही गए सब लोग और दिन में भी मूछी ले जा रहे थे सुबह होते ही ना मूछी की लूट हो गई ये हो रहा था कि मूछी बच जाएगा बच जाएगा बहुत सारा बचा हुआ था लेकिन मूछी पता ही नहीं चला देखिए यहाँ पे भीड़ हो गई है तो सब लोग दाल चावल मूछी ऊँछी लेने के लिए इकट्ठा हो गए हैं तो यहाँ पे मम्मी बड़ी मम्मी सब लोग बैठी हुई हैं कैसे बांटना है और पीछे की तरफ ना खाना खिलाया जा रहा था तो आदमी लोग इधर पीछे के साइड खाना खा रहे थे तो झाड़ा जा रहा था और फिर बैठाया जा रहा था पट्टी पर तो यही होता है और तेरहवीं के दिन तो बफर सिस्टम रहेगा तो मूछी दाल चावल रहता है तो इस तरीके से खिलाया जाता है बाकी तेरहवीं के दिन बफर सिस्टम रहेगा तो सब लोग अपना लगा रहेगा और जिसको जो खाना होगा वो खाएँगे और आज दसवीं है कल दसवीं था तो एक दो दिन बाद ही वही तेरहवीं को खिलाया जाएगा तो इस तरीके से व्यवस्था कर दी गई थी दादी ऐसे टाइम में ख़त्म हुई है ना कि एक तरफ गेहूँ बोया गया है एक तरफ आलू तो ये हो रहा था कैसे किया जाए लेकिन पीछे की साइड साफ सफाई करवा दी गई तो मैनेज हो गया था टेंट लगवा दिया गया और इधर आगे की साइड कोने की तरफ खाना बन रहा था और सब लोग इकट्ठा हो गए थे बुआ दीदी और छोटी वाली दीदी सब लोग मुंबई से सब लोग आ चुके आ गए हैं तो सबके बच्चे भी हैं भाभी लोग हैं पूरा घर ना एकदम फूल भरा हुआ है और कैसे कैसे रात में सब लोग सोए वैसे जगह तो बहुत है तो खटिया डाल गई इधर उधर सब लोग सोए और फिर सुबह के टाइम में जब मैं उठी तो मुझे ना वही जिसको बीमारी होती है साफ सफ़ाई करने की तो वही वाली बीमारी मुझे भी है और मुझे लग रहा था इतना सामान फैला हुआ है इतना फैला हुआ है तो थोड़ा सा ठीक कर दूँगी चद्दर वदर चेंज कर दूँ तो सही हो जाएगा तो इसलिए मैं सुबह उठते ही आ, पहले ना यही काम शुरू किया मैंने करना और यहाँ पे सब लोग खा के वो ब्रश करने के बाद चाय पीने के बाद सब लोग मूछी चावल दाल खाना स्टार्ट कर दिए थे लेकिन मैं साफ सफाई में लगी थी मैंने कहा नहीं सुबह के टाइम में थोड़ा सा मेरा जो साबुदाना रहता है वही और दोपहर तो में देखते हैं गीला चावल बनेगा तो उससे मूछी जो खाना होगा थोड़ा बहुत तो यही है और यहाँ पे मैं चद्दर वद्दर बिछा रही थी और चद्दर चेंज करने के बाद सारे सब चीज़ें इतनी फैली हुई थी ना आप देख सकते हो जहाँ पे मैं बैठी हूँ पीछे खटिए पे सारा पूरा फैला हुआ है एक खटिया तो बगल में खड़ा हुआ है तो इस तरीके से पूरा घर में ना चलने की जैसे जगह नहीं थी और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और यही है और दादी ऐसे टाइम पे ख़त्म हुई है कि एक तरफ ये हो रहा था कि या तो आलू हटवाया जाए या तो गेहूं के ऊपर बिछवाया जाए टेंट और सब कुछ तो ये हो रहा था कि नहीं कैसे भी करके एडजस्ट कर लिया जाए और गेहूँ भी इतना मेहनत से बोवाया गया है और फिर आलू भी और जब यार कोई चीज़ बो दिया जाता है तो बड़ा वो लगता है ना कि कुछ ही दिन बाद फसल देगा और गेहूँ तो यहाँ पर बसता भी नहीं है हमारे गाँव में जब से ना लिली गाय साड़ ये सब नीली गाय साढ़ लिली गाय हम लोग कहते हैं तो ये सब चीज़ें हो गई हैं तब से बचता ही नहीं है गाय इतने सारे साढ़ इतने सारे, सारे छूटे हुए हैं तो ये होता है कि बाउंड्री के अंदर है तो गेहूँ बच जाता है तो गेहूँ को छोड़ दो और फिर ये हो रहा था आलू को हटाया जाए फिर आलू भी बोया जा रहा था तो ये हो रहा कैसे भी करके मैनेज कर लिया जाए वैसे तो छत पर बहुत बड़ा छत है वहाँ पर भी व्यवस्था हो सकती थी लेकिन वही है ना कि जो थोड़ा सा एज ज़्यादा है जिसकी उनको प्रॉब्लम हो सकती है तो फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया और यहाँ पे देखो दो दिन बाद तेरहवीं रहेगी तो दादी का वही कहते हैं ना तेरहवीं के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है उस इंसान का बस इंसान जन्म लेता है और उसकी जर्नी यहीं तक रहती है जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद जलाया जाता है फिर उसके बाद ये तेरा वही होके सब कुछ ख़त्म हो जाता है और दादी का जाना तो जैसे मुझे इतना खल गया ना कि पहले नींद मुझे बहुत अच्छी आ जाती थी दस ग्यारह बजे तक और लेकिन अभी ना पता नहीं क्यों रात में सोती हूँ तो घबराहट बेचैनी और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं तो एक सब लोग वही कह रहे हैं कि आ, मतलब मैं रात में ना एक दिन रोने लगी थी बहुत ज़्यादा तो परेशान बहुत ज़्यादा थी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और सिर दर्द करने लगा और रात को रोने लगी मैं दो ढाई बज रहे थे तो सब लोग इकट्ठा हो गए तो वही सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारी गोद में खत्म हुई है ना तुमने सामने से देखा है जाते हुए तो इस वजह से ये दिमाग पे असर किया है चीज़ें और सच बताऊँ तो हाँ असर किया है क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान कब चला जाए कुछ पता नहीं है और मतलब अच्छी बात है कि उन्होंने एकदम मेरी गोद में तोड़ा लेकिन चीज़ें इतनी सारी मुझे मम्मी मेरी कह रही इतना सब कुछ देख के बर्दाश्त कर ली तुम ये चीज़ें क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही हो लेकिन पता नहीं ना अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा था और इस तरीके से किसी का जाना गोद में और सामने ऐसे मैंने कभी देखा नहीं था तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत असर कर रही हैं और जिसकी वजह से रात में जब मैं सोती हूँ तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं उल्टी सीधी और मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है मुझे घबराहार्ट बेचानी शुरू हो जाती है कह सकते हैं कि ना इस टाइम चैन की नींद नहीं मिल रही है मुझे और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है मैंने वही मैं बोल रही थी कि मैं जब दिल्ली से आई थी तो थोड़ा सा अस्थाई थी मैं वहाँ पर भी ठीक से सो रही थी सब कुछ ठीक था लेकिन मुझे नहीं पता कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो पता नहीं क्या दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं ऊट पटांग और मैंने सबको बताया कि ये ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे लगता है कभी कभी मैं सोए सोए ऐसे ख़त्म हो जाऊँगी और मैं ये चीज़ें अपने मम्मी को बता के जाऊँ ये है यहाँ पे है वो वहाँ पे है तो जैसे लगता है ना कि कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन ख़त्म हो जाए और मुझे पता नहीं क्यों अपने ऊपर जैसे लगता है कि मैं अब ज़्यादा नहीं जीऊँगी और मैं एक दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाऊँगी ऐसे ही ख़त्म हो जाऊँगी ये चीज़ें अंदर अंदर मुझे जैसे खाई जा रही हैं और मैं वही रोने लगी थी एक दिन रात में तो सब लोग ये वही समझा रहे थे और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता जैसे लग रहा है ना कोई चीज़ गहरी चीज़ है उसी में खोती जा रही हूँ खोती जा रही हूँ और जहाँ पे मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ये चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल रहनी चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नॉर्मल नहीं है जैसे दिमाग पे असर कर गई हैं कि क्या है आप लोगों को कुछ समझ में आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और बस चुपचाप चीज़ें सोचती रहती हूँ कि न किसी के साथ बैठना अच्छा लगता है ना कुछ करना चलो वीडियो का एंड करती हूँ बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिए